विषय है, इसको लेकर सरकारें सावधान रहे, नहीं तो ये देश का जो युवा है ना, ये बहुत कुछ करना जानता है। आर पार में अब वक्त है सत्य और तथ्य का। आज मैं आपको आरक्षण से जुड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट सुनाना चाहता हूं। यह कहानी आज से करीब 44 साल पुरानी है और तभी लिखी गई थी, लेकिन इसका सीधा रेलेवेंस आज मौजूदा पॉलिटिक्स से है। क्या आप जानते हैं कि देश में पहली बार कब एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण का फॉर्मूला तैयार हुआ था, कौन इसके खिलाफ था यानी विरोध में था और किसने इसे लागू किया था? आज मैं आपको ये सारी बातें विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि आजकल कुछ विपक्षी नेताओं में खुद को सबसे बड़ा आरक्षण प्रेमी और एससी एसटी ओबीसी का हिमायती दिखाने की होड़ मची हुई है। कभी पूछा जाता है कि केंद्र सरकार के कितने अधिकारी पिछड़े वर्ग से आते हैं, कभी पूछा जाता है कि बजट बनाने वाले कितने अफसरों का ताल्लुक एससी एसटी ओबीसी से है। इसलिए आज मैं सबसे पहले आपको राजीव गांधी के एक इंटरव्यू के बारे में जानकारी देता हूं। यह साक्षात्कार उन्होंने एक हिंदी प्रमुख अखबार को साल 1985 में दिया था। इस इंटरव्यू में राजीव गांधी कहते हैं, दबे और पिछड़े वर्ग को यह सुविधा दी जाए, लेकिन इसके विस्तार से बुद्धुओं को बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश को नुकसान होगा। यह राजीव गांधी ने बोला, यानी राजीव गांधी कह रहे थे कि आरक्षण की वजह से इनकॉम्पिटेंट लोग काबिल लोगों का हक मार सकते हैं। जो नेतागण एससी एसटी ओबीसी और जातिगत जनगणना पर बड़ी बड़ी आज टींगे हांक रहे हैं, क्या वो बता सकते हैं कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने यह स्टेटमेंट क्यों दिया था? अब मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाता हूं। वो दौर पंडित नेहरू का था और पंडित नेहरू के हवाले से अखबार ने लिखा था कि मैं नौकरियों में एससी और एसटी के लिए आरक्षण के खिलाफ हूं। यह पंडित नेहरू के हवाले से लिखा था, क्योंकि इसमें उनमें हीन भावना पैदा होती है। सवाल यह है कि जवाहरलाल नेहरू के विचारों से आज की कांग्रेस असहमत है? आज जब संसद में जाति जनगणना के बारे में जोर शोर से भाषण दिया जाता है, तो क्या कोई यह बता सकता है कि 1980 से 1989 तक मंडल आयोग की रिपोर्ट किसने उसको लटकाया? 1980 से 84 के तक इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रही और 84 से 1989 तक स्वर्गीय राजीव गांधी के हाथ में देश की कमान रही। क्या यह सच नहीं है कि बाबा साहब अंबेडकर ने 1950 में पंडित नेहरू की कैबिनेट से इसलिए इस्तीफा दिया था क्योंकि वो सामाजिक भेदभाव के आधार पर से सहमत नहीं थे, यानी वो उन्हें लगता था कि पंडित नेहरू आरक्षण के विरोधी है? तो आज दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने है, इसलिए ये फैक्चुअल कहानी बतानी आपको बहुत बहुत आवश्यक थी। फिलहाल आर पार में इतना ही। नमस्कार, अगला शो अमन के साथ।